प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ जैसे बाल्टी है, मग है, दांत साफ करने का ब्रश है। ये सब वस्तुएं किससे बनी है मेरे प्यारे बच्चों? ये सब वस्तुएं हम देखते हैं प्लास्टिक की बनी हुई हैं। हम घर में बाल्टी इस्तेमाल करते हैं, मग करते हैं, जो ब्रश हम करते हैं दांत मांजने के लिए, साफ़ करने के लिए, वो सब प्लास्टिक के बने हुए हैं। अब ये प्लास्टिक है क्या? हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमने ये जानने की कोशिश आज तक नहीं की होगी, या की भी होगी लेकिन ये है क्या आज हम जानते हैं। प्लास्टिक क्या है? रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों, जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब क्लास में पढ़ाऊंगा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन, लेकिन यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे कि एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में हमको समझना है प्लास्टिक क्या है। ये बहुलक हैं, बहुलक मतलब उच्च अणुभार के बहुलक। क्या है प्लास्टिक? उच्च अणुभार के बहुलक हैं ये, ठीक है। तो ये उदाहरण के तौर पे हमारा जैसे एथिलीन और एसिटिलीन क्या है, ये दो हमने उदाहरण यहाँ पे दिए हैं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से ही हम बनाते हैं प्लास्टिक को। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथिलीन और एसिटिलीन के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। अब इसके अलावा और देखिए आप, बैकेलाइट है, नायलॉन है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। इसके अलावा टेफ्लॉन, पॉली वाइनिल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड बोलते हैं वैसे ऐसे, आदि प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण, कौन कौन सी प्लास्टिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेकेलाइट टाइप की प्लास्टिक होती है, नायलॉन होती है, पॉलीथीन होती है, इसके अलावा टेफ्लॉन है, पॉली विनाइल क्लोराइड है, पीवीसी जिसे बोला जाता है, पीवीसी पाइप्स आते हैं इनके, आपने देखा होगा जो पाइप्स लगाते हैं हम घरों में पानी के लिए, पीवीसी वायर्स भी लिखा होता है, प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। इन सभी प्लास्टिक के सामानों में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? मतलब जितने मैंने अभी ये प्लास्टिक पदार्थ बताए, जैसे टेफ्लॉन हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो, ठीक है, चाहे आपका बैकेलाइट हो, नायलॉन हो, इनमें क्या भिन्नता नज़र आती है ना? ये सब तो उदाहरण है, देखिए इनमें क्या भिन्नता है? देखते हैं हम लोग। कुछ प्लास्टिक की वस्तुओं को गर्म करने पर वे तुरंत पिघल जाती हैं। आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं हम लेते हैं, उनको जलाते हैं तो वो जल्दी से पिघल जाती हैं, जलने लगती हैं, धुआं देने लगती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं, उन पर क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव बहुत कम होता है, मतलब वो जलती नहीं है, तेज़ी से धुआँ नहीं देती हैं, तो उन पर बहुत कम प्रभाव होता है ऊष्मा का। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी ऊष्मा पाने पर पिघलने लगती है, जबकि कुकर के हैंडल जो हमारे घरों में हैं, है ना, फ्राई पैन का हैंडल होता है ना, इसके हैंडल्स क्या हैं, ये गर्म होता है, गर्म होने के बावजूद भी हम उसको आराम से उठाकर कुकर को नीचे रख लेते हैं खाना पकाने के बाद। पूरा कुकर बहुत गर्म होता है, वो एल्युमिनियम का बना है, स्टेनलेस स्टील का भी बना होता है ना, लेकिन वो बहुत गर्म होने के बावजूद उसका जो हैंडल है ब्लैक कलर का, वो गर्म नहीं होता, इतना कम गर्म होता है। तो हमने यहाँ पे देखा, अब वो क्या हो रहे हैं, वो पिघल नहीं रहे हैं, जबकि हमारी बाल्टी की प्लास्टिक पिघल जाती है। प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर, मतलब गलनांक क्या, गल जाना, यानी ताप को बढ़ाने पर किसी वस्तु का गल जाना, यानी एक ऐसा ताप जिस पर वस्तु गलने लगती है वो उसका गलनांक कहलाती है। तो प्लास्टिक का गलनांक क्या है, उसके आधार पर, उसकी कठोरता के आधार पर प्लास्टिक को कितने वर्गों में बांट दिया है मेरे प्यारे बच्चों? दो वर्गों में बांट दिया हमने। एक प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होती है। इस प्रकार की प्लास्टिक यानी थर्मोप्लास्टिक क्या होती है,
इस प्रकार की प्लास्टिक जो होती है गर्म करने पर मुलायम हो जाती है बच्चों, और ठंडा करने पर क्या होता है, इसको जब ये ठंडी करेंगे पहले इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पे मुलायम हो जाएगी, जब इसको ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये एकदम रूप बदल लेगी और कड़ी हो जाएगी एकदम से, मतलब इसका एकदम रूप बदल जाता है। जैसे बाल्टी को गर्म करो, गर्म करने के बाद क्या होगा, उसका ढांचा सा बदल जाएगा एकदम से। और ये क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, उसमें बार बार हम उसको गर्म कर सकते हैं, उसका ढांचा बदल सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं, है ना, उसका आकार बदल सकते हैं, उसको हम बार बार हम उसको गर्म करके मुलायम कर सकते हैं। इसी प्रकार जो थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि हम एक ही प्लास्टिक को बार बार इस्तेमाल करके नई नई वस्तुएं बना सकते हैं थर्मोप्लास्टिक से। जैसे पॉलीथीन इसका उदाहरण है, पॉली बाइनिल क्लोराइड यानी पॉली विनाइल क्लोराइड इसका उदाहरण है, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। यानी कि ये तो पॉलीथीन आपने बाजार से ली, उसको पिघाल दो, पिघाल के क्या होगा, उससे कुछ और बना लो, चाकू का हैंडल बना लो, है ना, बन जाता है, कुछ लोग चाकू का हैंडल बना लेते हैं पिघाल के उससे। तो ये क्या हो रहा है, इसका हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक से हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक का हम दोबारा इस्तेमाल करके नई चीज़ें बना सकते हैं, यानी इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरी टाइप की जो प्लास्टिक है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार की प्लास्टिक क्या होती है बच्चों, इस प्रकार के प्लास्टिक भी गर्म करके करने पर मुलायम, यानी गर्म करने पर इनको मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं, किंतु किंतु क्या, इन्हें गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता। एक बार आपने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म कर दिया तो फिर ये कठोर हो गए, फिर तुम फिर सोचो कि दोबारा से इनको मुलायम कर लो तो नहीं होगा, मतलब एक ही बार कर सकते हो, यानी इनका पुनः चक्रण नहीं होता, बार बार इनको हम दूसरे रूप में नहीं बदल सकते। अब इसके उदाहरण देखिए, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात इनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, यानी पुनः चक्रण इनका संभव नहीं है। क्या आप जानते हैं, देखिए क्या क्या बता रहा है इसमें, प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। मतलब हम क्या करें, जो प्लास्टिक का जो स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में, जो स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं, जो हम आज मेडिकल में इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे आज यंत्र देख रहे हैं मेडिकल के अंदर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना, हेल्थ के क्षेत्र में, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो स्वास्थ्य जो उद्योग है हमारा, स्वास्थ्य देखभाल का उद्योग, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण देखिए, दवाइयों की गोलियां या टिकियां जो हम लोग देखते हैं जिस पैकेट में वो पैक की जाती हैं, किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है, उसी के अंदर उनको टिकियों को जो है उन गोलियों को पैक किया जा रहा है। घाव को सीने वाला धागा, जो यदि घाव लग जाता है उस पर टाका लगाना होता है तो उसका जो धागा है वो किसका बना है, प्लास्टिक का बना है। सिरिंज देखिए जो हम लोग लगवाते हैं, चिकित्सकों के दस्ताने देखो, सब प्लास्टिक के हैं। तो देख रहे हैं हम विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय यंत्रों का उपयोग आज भरमार है, आज उनका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, माइक्रोवेव ओवन में जो है भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्रकार की प्लास्टिक पात्र का उपयोग किया जाता है, यानी ओवन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार की प्लास्टिक आती है, उसमें भोजन रख देते हैं और उसको हम उसके अंदर रख देते हैं और फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखिए वो जलती भी नहीं है, इतना गर्म खाना हो जाता है कि प्लास्टिक का कुछ नहीं होता, ठीक है। और देखिए, टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है। देखिए पहले हमने बैकेलाइट का बात किया था, अब हम टेफ्लॉन की बात करें। टेफ्लॉन क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। तो टेफ्लॉन का इस्तेमाल हम लोग घरों में कर रहे हैं जिस पर तेल नहीं चिपकता है। देखिए तेल नहीं चिपकेगा, तेल कम लगेगा। यह भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने के लिए काम आता है, यानी कि जो हमारे घरों में भोजन के पात्र होते हैं उनके अंदर टेफ्लॉन की एक परत लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, कम तेल और कम पानी यानी कम तेल का इस्तेमाल करके हम सब्जी को पका सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो टेफ्लॉन का इस्तेमाल आज बर्तनों में किया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जाना प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, प्लास्टिक क्या है, कल हम जानेंगे प्लास्टिक और पर्यावरण, यानी प्लास्टिक का पर्यावरण पे क्या असर होता है ना, तो कल हम इसको जानेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों ये वीडियो देखने के लिए। यदि इसमें किसी प्रकार की आपको कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत।